ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। और अभी तक जहाँ तक नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। हमने आज अपने जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन है, उस पर भी हमने ये संदेश दिया है कि जिसका भी परिवार का कोई सदस्य यूक्रेन में इस वक्त फंसा है तो वो हेल्पलाइन के माध्यम से हमको जानकारी दें ताकि पूरा पता हमको लगे, ताकि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करके उनके लिए मदद जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। लेकिन जहाँ इस सारे विषय को लेकर के वहाँ हिमाचल के लोगों को सुरक्षित हिमाचल प्रदेश पहुँचाने के लिए, अपने देश में पहुँचाने के लिए बात कह रहे हैं, तो उसमें हमने आज भी बैठक की अपने अधिकारियों के साथ और सारी डिटेल्स को वर्कआउट करने के साथ साथ में हमने सुनिश्चित किया कि हम केंद्र के साथ टेकअप करके, जो हमारी विदेश मंत्रालय है उनके साथ टेकअप करके, हिमाचल के जितने भी बच्चे हैं, हिमाचल के जितने भी लोग वहाँ पर यूक्रेन में हैं, उनको सुरक्षित वापस ला सकें, ऐसा हम प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तो इस सारे मामले को लेकर के चीफ सेक्रेटरी को ही मैंने कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से सारे मामले को देखिए, और ऐसे में मैं इस बात को भी कह रहा हूँ कि हमने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से भी पूरे एक संदेश दिया है। आज हमने ट्वीट भी किया है, सोशल मीडिया में भी इसकी जानकारी दी है कि जो भी परिवार का कोई सदस्य हिमाचल का रहने वाला और यूक्रेन में कहीं फंसा है और उनके परिवार के लोग अगर हम तक वो जानकारी पहुंचा दें तो हमको सुविधा रहेगी केंद्र सरकार के साथ उस सारे विषय को पहुंचाने के लिए, उठाने के लिए।